देखिए, 2024 के जो लोकसभा के आंकड़े हैं बिहार में, भले ही उसमें जेडीयू ने, कांग्रेस ने, भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो पूर्णिया सीट की चर्चा हो रही है। पूर्णिया में पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे जीत हासिल की और उन्होंने दोनों उम्मीदवार जो हैं, आरजेडी के और जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं, दोनों को हराया। हालांकि जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनसे उनकी सीधी टक्कर रही और आरजेडी की जो बीमा भारती थी उन्हें तीसरे नंबर पे ठेल के रख दिया। पप्पू यादव ने तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया और वो भी बहुत ही बुरी तरह हराया। उनको जो वोट की संख्या जो मिली है वो अमूमन जो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में खड़े होते हैं उनसे भी कम मिला है। तो बहुत बुरी हार हुई है आरजेडी की पूर्णिया में। पप्पू यादव पूर्णिया से, हीना साहब सिवान से और पवन सिंह काराकाट से, ये तीन ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी चर्चा पूरे चुनाव में निर्दलीय के तौर पे लगातार हो रही थी। हालांकि जीत उसमें से केवल पप्पू यादव को पूर्णिया से हासिल हुई, लेकिन हीना साहब भी मैदान में थी और वो दूसरे नंबर पर रहीं सिवान से, हालांकि वो जीत नहीं पाईं। उसी तरह से काराकाट में जो पवन सिंह हैं वो बड़े कारण बने हार के उपेंद्र कुशवाहा के। उपेंद्र कुशवाहा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एनडीए के वहाँ से उम्मीदवार थे, उनको जो हारना पड़ा उसके बहुत बड़े कारण पवन सिंह रहे। पप्पू यादव जो है वो लगातार पूर्णिया में एक्टिव रहे हैं, वहीं से आते हैं, वो वहाँ के लोकल हैं, नेटिव हैं। हालांकि उनका घर जो है उसके पूर्णिया के बगल में मधेपुरा में है, लेकिन वो वहाँ के लोकल हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत भी जो है वो पूर्णिया से की थी और पूर्णिया में वो खासे एक्टिव रहते हैं। बहुत ही वो, चाहे वो आप किसी तरह का वहाँ पर कोई आपदा हो, कोई संकट हो, आप पप्पू यादव को वहाँ पर पाएंगे। वो एक नेचुरल चॉइस थे इंडिया अलायंस के लिए पूर्णिया से, लेकिन जो गड़बड़ हुई वो एक तरह से आप बोलें कि एक यादव ईगो की लड़ाई थी। उनकी मुलाकात हुई लालू यादव से और उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर लिया, जिससे लालू यादव खासे नाराज़ हुए। लालू यादव का कहना था कि पप्पू यादव ने मुझसे मुलाकात की और मुझे बताया भी नहीं कि वो अगले दिन जो हैं वो अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करने जा रहे हैं। और उसके बाद लालू यादव ने एक स्टैंड ले लिया, वो स्टैंड ये था कि किसी भी सूरत में वो टिकट जो है वो पप्पू यादव को नहीं देंगे और उन्होंने वो टिकट जो है खुद से अपने पास रख लिया। कांग्रेस को दिया ही नहीं वो सीट, पप्पू यादव को वो सीट ही नहीं दिया, पूर्णिया का सीट नहीं दिया, जिसके कारण से पप्पू यादव वहाँ से बेटिकट हो गए। क्योंकि पप्पू यादव ने पूरी तैयारी की हुई थी, इसलिए पप्पू यादव मैदान में कूदे और जितनी मेहनत से उन्होंने ये चुनाव लड़ा है वो देखने वाली बात थी। हम क्योंकि उनके साथ चुनावी दौरे पे थे, हम दो दिन लगातार पूर्णिया में वहाँ पर मौजूद थे। न केवल पप्पू यादव बल्कि उन्होंने उनके बाकी जो दोनों प्रतिद्वंदी थे बीमा भारती के साथ और जो जेडीयू के जो प्रतिद्वंदी थे, दोनों के साथ हम लोग मैदान में थे और उनके कैंपेन में साथ में थे। पप्पू यादव ने बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। और पप्पू यादव का जो सपोर्ट बेस था वो हम देख रहे थे कि वो कटिंग अक्रॉस कास्ट था। वो यादवों में भी उनका उतना ही सपोर्ट था। हालांकि ट्रेडिशनली अगर आप बिहार में देखेंगे तो जो यादव हैं वो आरजेडी के साथ आपको खड़े नज़र आते हैं, मुस्लिम जो हैं वो आरजेडी के साथ खड़े नज़र आते हैं, लेकिन पूर्णिया में कुछ अलग माहौल था। पूर्णिया में चाहे वो यादव हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, हर तबके में पप्पू यादव के लिए सपोर्ट था और लोगों का ये मानना था कि जो इंडिया अलायंस है उसने पप्पू यादव के साथ गलत किया है और इसके कारण से वो पप्पू यादव के साथ खड़े होंगे। तो एक जो सहानुभूति की आप बात करते हैं, वो सहानुभूति का फ़ायदा पप्पू यादव को मिला। पप्पू यादव वहाँ एक्टिव रहे उसका भी उन्हें फ़ायदा मिला। प्लस उन्होंने चुनाव का जो मैनेजमेंट किया वो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पूरी टीम पप्पू यादव की वहाँ पर जाके डटी हुई थी। पूर्णिया में पटना से लगभग 200 लोगों की टीम वहाँ जाकर डटी हुई थी और पप्पू यादव अपने चुनाव प्रचार सुबह 8 बजे शुरू करते थे और रात में 2 बजे तक वो लगातार घूमते थे, रोज़ रोड शो करते थे। तो जितनी मेहनत शायद उन्होंने की, दूसरे कैंडिडेट्स ने मेहनत नहीं की, लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा जो सहानुभूति की बात है उस सहानुभूति का फ़ायदा पप्पू यादव को मिला और यही कारण है कि वो इकलौते उम्मीदवार बने पूर्णिया से जो निर्दलीय जीते हैं। और जब जीत की घोषणा हुई उसके बाद से वो वीडियो शायद अपने दर्शकों को हम दिखा सकें, पप्पू यादव फफक के रोने लगे। पप्पू यादव एक बच्चे की तरह रोने लगे और उन्होंने इतना ही कहा कैमरे पे कि ये पूर्णिया का कर्ज जो है ये मैं और मेरा परिवार कभी उतार नहीं पाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पप्पू यादव जिस तरीके से एक जुझारू नेता रहे हैं, ज़मीन पे काम करने वाले नेता रहे हैं, तो पूर्णिया के लिए वो एक अच्छे सांसद साबित होंगे। पप्पू यादव जाते किस तरफ हैं, क्या उन्हें NDA जो है वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, क्या वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे,
अगर आप विचारधारा की बात करेंगे तो पप्पू यादव इंडिया अलायंस के ज़्यादा करीब नज़र आते हैं, और उन्होंने इसके पूर्व में भी घोषणा की थी कि अगर वो जीतेंगे भी तो इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे। लेकिन अभी माहौल बदला है, आंकड़ों की ज़रूरत हो सकती है कि बीजेपी और जो एनडीए अलायंस के जो लोग हैं वो डिसाइड करें कि कुछ और निर्दलियों को उसमें शामिल किया जाए, तो पप्पू यादव उसमें एक चेहरे हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अभी वो निर्दलीय के तौर पर हैं सांसद और इंडिया अलायंस के साथ बने हुए हैं। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।